वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कस्टम फूटर जो है हम लोग वो कैसे डिजाइन करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फूटर को डिजाइन किया था और आज की वीडियो में हम लोगों ने सॉरी हेडर को डिजाइन किया था और आज की वीडियो में हम लोगों ने फूटर को डिजाइन करना है। देखते हैं सबसे पहले कि फूटर हमारे पास फूटर में क्या क्या चीज आती है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट पेजेस को विजिट करेंगे कि फुटर में कितना पार्ट आता है। फुटर से अच्छा हेडर का मतलब था कि जो भी मतलब फ्रंट पे होगा मतलब सबसे ऊपर ऊपर जितना भी मतलब पार्ट्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे तो वो हेडर में कंसिडर होंगे अगर सभी पेजेस पे सेम होंगे। अब देखते हैं कि फुटर में कितना पार्ट जो है वो सेम कंसिडर हो रहा है, तो उस चीज को हम एज ए फुटर कंसिडर करते हैं। तो सम पेजेस पे फुटर डिफरेंट भी होता है, सम पे डिफरेंट होता है। तो हम लोग मतलब कोशिश आज की वीडियो में कोशिश ये करेंगे जो सिंपल एक फुटर डिजाइन करें इसकी कंडीशंस वगैरह वो मतलब सब पेजेस पे डिफरेंट हो सकती है तो उसको हम डिजाइन ही करेंगे। ये अबाउट अस का पेज है, इस पे भी फुटर सेम सेम है। अब फुटर में कौन सा पार्ट आ रहा है ये चीज कह सकते हैं कि इसमें एक तो इसका ईमेल बॉक्स भी मतलब सब आ रहा है जो इसका न्यूज लेटर का होता है सेक्शन वो, और दूसरा इसका ये चीज इसमें इंपोर्टेंट लिंक्स वगैरह आ जाते हैं, लोगो आ जाता है, टैक्स आ जाता है, सोशल आइकॉन्स आ जाते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं और डिजाइन करते हैं साथ साथ। मैं आप लोगों को एक दफा फिर से क्लियर करती चलूँ, लास्ट टाइम लोगों को हम लोगों ने हेडर डिजाइन किया था, उसकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पे, मास्टरिंग वर्डप्रेस विद एलिमेंटर, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम सिंपल फुटर डिजाइन करते हैं, फुटर को कैसे डिजाइन करना है। अब मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आप लोग क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर जो था उसको ऐड कर लिया था, प्लगइन जो था। अब हमने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे इसके एलिमेंटर में जाती हूँ और एड न्यू सेव टेम्पलेट में जाके एड न्यू टेम्पलेट क्रिएट करती हूँ। तो हमने एड न्यू टेम्पलेट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब हेडर बनाना था तो हमने हेडर सेलेक्ट किया था टेम्पलेट की टाइप, लेकिन इस बार जो हमने फुटर बनाना है तो फुटर की टाइप करनी है। टाइप किस तरह वैल्यूएबल होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटर बनाना चाह रहे हैं और हेडर उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका फुटर डिजाइन फुटर का होगा, लेकिन वो एज ए फुटर शो नहीं होगा बल्कि वो एज ए हेडर शो होगा, मतलब ऊपर ऊपर पेज के। इसी तरह हेडर का ये सीन है कि अगर आप हेडर डिजाइन करना चाह रहे हो उसको कंडीशन फुटर की दे दी है, टाइप आपने फुटर की सेलेक्ट कर ली है तो वो बजाय हेडर के तो वो आपके फुटर के तौर पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, फुटर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि वही चीज रखें जो हम लोग बाद में हमें अगर एडिट वगैरह करना हो तो इजी रहे, क्योंकि क्लाइंट को इसको मैं न्यू भी कर सकती हूँ या मतलब टेस्ट भी कर सकती हूँ टेस्ट। और यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे हेडर में क्या क्या चीजें आती हैं। हेडर में हम सबसे पहले जो सेक्शन बनाएंगे ना वो मतलब एक दो कॉलम होंगे, एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम या 2 कंटेनर होंगे। एक कॉलम के अंदर हमने हेडिंग रखनी है दिस वन, और एक टेक्स्ट रखना है, और दूसरे कॉलम में हमने सब्सक्राइबर बटन रखना है या मतलब फॉर्म रख देना है। तो इसको कैसे करना है, इसके बैकग्राउंड पे जो इमेज है उसको सेट करना है। सबसे पहले तो हमें चीजें रखना सिखाऊंगी, उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अच्छा, हम कस्टम डिजाइन करने लगे हैं तो हमने यहाँ से इसको टेम्पलेट चूज नहीं करने खत्म कर दिया है। अभी हमने इसके फुटर को आप इग्नोर कीजिएगा, तो सॉरी हेडर को इग्नोर कीजिएगा, फुटर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 2 कंटेनर लिए, एक सेक्शन के 2 कंटेनर लिए, ठीक है। उनकी इसकी हाइट सेट की हमारे पास थी 1250, ठीक है। तो क्योंकि मुझे आइडिया है मैं इसको कितना मतलब, क्योंकि मैंने हेडर जब डिजाइन किया था तो उसी हिसाब से हमने इसकी फुटर के रख ली, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, एक हमने विजेट लेना है हेडिंग का, हेडिंग का विजेट लेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव जो करना है वो मैं बाद में करूंगी, अभी जस्ट मैं इसका लेआउट बना रही हूँ। इस तरह बहुत ईजी हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। तो आई नो ये एक बेस्ट वे नहीं होता लेकिन इजी हो जाता है जब आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कॉपी पेस्ट करें और उनकी सेटिंग वगैरह हो जाती है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट कर दिया, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म। फॉर्म हमने किया सिलेक्ट, और फॉर्म में सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास हमें जस्ट ईमेल रखनी है, नेम को कट कर दिया, मैसेज को कट कर दिया, और बटन और दिस दैट, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास जो है वो आप लोग देख सकते हैं 4 कंटेनर है, ठीक है।
एक कॉलम के अंदर फोर कंटेनर है, हम इसको कैसे सेट करना है? एक कॉलम लिया और उसके फोर कंटेनर, ठीक है। फर्स्ट और सबसे पहले जिसकी हमने सेट किया, क्या कहते हैं, कंटेनर की विथ सेट की 1250। और उसके बाद हमने उसमें एक लोगो, टेक्स्ट और सोशल आइकॉन। लोगो के लिए मैं साइट लोगो यूज नहीं करती, मैं इमेज यूज करती हूँ और इसी को ही साइट लोगो बना देती हूँ। इसके बाद इसको लिंक कर देना है कस्टम लिंक में जाके साइट यूआरएल के साथ, ठीक हो गया, ये हमारा साइट लोगो बन गया। और इसके बाद हमारी बात बारी आती है टेक्स्ट की, और फिर आती है सोशल आइकॉन्स की। इनको अभी हम रिस्पॉन्सिव नहीं करें, जिसमें आपको इनको एक दफा सेट करेंगे और फिर इनको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सोशल आइकॉन, ठीक है, सोशल सोशल आइकॉन सी है। सोशल आइकॉन कौन कौन से मेरे पास? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैंने एड न्यू आइटम पे क्लिक किया और यहाँ पे वर्डप्रेस का आ रहा है इस टाइम, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम करना है, तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टाग्राम का कर दूंगी, ठीक हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सर्विसेज है, और हमारे पास है आइकॉन लिस्ट। तो एक हेडिंग, एक डिवाइडर। अच्छा, ये सबसे पहले हमने हेडिंग की इसको, ठीक है, डिवाइडर और लिस्ट आइकॉन। तो हमने क्या किया, सिंपली बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अगर जो जस्ट वीडियोस को देख के ट्राई करेगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको मतलब प्रैक्टिस करेगा, और मैं गारंटी देती हूँ कि एक मंथ के अंदर अंदर वो इस वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख जाएगा इसलिए। तो लेकिन शेयर ये है कि आपने डेली बेसिस का जिस तरह वीडियो जैसी अपलोड होती है, आप लोगों ने उस पर काम करना है। तो साथ साथ काम कीजिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी। अब देखिए आइकॉन हमारे पास क्या है, ये क्लिप है, तो हमने यहाँ पे इस पे लिखते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास कितने ये बनने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पे एक मैंने बना लिया है, ठीक है। अब ऐड न्यू नहीं करना, क्योंकि मुझे आइकॉन बार बार ऐड नहीं करना चाहिए। मैं सिंपली क्या ट्रिक यूज करूंगी, इसको कॉपी कर लूंगी 5 टाइम, ठीक है, 3 4 5, ठीक हो गया मेरे पास। अब ये इनकी यही चीज कॉपी हेडिंग को कॉपी किया, पेस्ट। और सबसे ऐसा ट्रिक और ऐसी चीजें कोई भी एज ए बिगनर को नहीं सिखाता, मैं साथ साथ आपको एज ए बिगनर ये चीज सिखाऊंगी और आपके बहुत काम की आएगी। जो काम आप लोगों ने 1 घंटे में करना ना, वो 20 मिनट में आसानी से कर सकते हो। तो क्योंकि मोस्टली आप पेज का लेआउट बना लें, उसके बाद उसकी जस्ट जो चीजें सेम सेम होती है, क्योंकि आइडिया फिर देखना भी होता है कि कौन सी चीज सेम है कौन सी नहीं, फिर उनको जस्ट कॉपी करें और पेस्ट करें और पेस्ट स्टाइल करते हैं। अभी तो मैं जस्ट इनके विजेट्स को कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं इनके स्टाइल को पेस्ट करना सिखाऊंगी, ठीक हो गया। हमारा लेआउट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट सेक्शन में जो है ना, एक डिवाइडर और ये चीज ये हम बाद में करते हैं, पहले इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। इसको मैंने पब्लिश किया, एड कंडीशन लगाई, क्योंकि मैं इंटायर वेबसाइट पर लगाना चाह रही हूँ, तो एड कंडीशन है, ओके। अब देखिए हम डाटा पुट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका, अगर आपने देखना है कि सेम टू सेम शो हो रही हो। तो हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी करके कॉपी, कंट्रोल वी, इसके अलावा इसका टेक्स्ट कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक्सटेंशन यूज करते हुए इनके कलर्स, इनकी फॉन्ट, फैमिली साइज, ईच एंड एवरीथिंग हमने चूज करनी है। तो हम लोगों ने इस चीज को देखते हुए फुटर को भी सेट कर लेना है। इसको जब आपको हेडर और फुटर पे बिल्कुल कमांड आ जाएगी ना, तो आपके लिए वेबसाइट को डिजाइन करना, ये इमेज थी कैसे मुझे पता चला, मैंने इसको उठा के देखी साथ साथ जा रही है, तो मैंने इसको को राइट क्लिक किया और इसको सेव इमेज कर लिया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोगों को साथ साथ मतलब इसको करना है, अगर आप चाहते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर वेबसाइट आप बनाना सीख गए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप लोग के पास जब स्किल होगी तो आप लोग इजीली अर्निंग करना सीख सकते हो। चलिए यहाँ सेव हो गई, जैसे। और नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज, सर्विसेज
यहाँ पे मुंह लगा दिया लोगों को। ठीक गया। अच्छा इस कंटेनर को सबसे पहले तो हम मतलब सेट करते हैं ना, क्योंकि व्हाइट नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको बैकग्राउंड कंटेनर को सेलेक्ट किया है। इसका बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, इमेज ये वाली जो है ऑलरेडी इसमें इसके लाइब्रेरी में है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। हम लोगों ने सिंपली टाइम वेस्ट किए बिना इमेज को सेलेक्ट करते हैं और इसको वर्क करते हैं। ये हम लोगों ने सेट की, इसको सेंटर किया, सेंटर सेंटर कर दिया, और यहाँ पे हमें स्क्रोल अगर करना है, नो रिपीट कर देना है और साथ में कवर कर देना, ठीक है। और हमारा ये शेड जो है पर्पल शेड में आ रहा है, इसको हमने कलर पिकर में जाके इसका कलर में जाके कलर कर दिया पर्पल। आप देखें इसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, मैं कम करती हूँ तो बिल्कुल उसका पता नहीं चल रहा कि हमने कर दिया। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो वो उसके जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो कलर है ना बैकग्राउंड का ओवरले जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, और मुझे जितना चाहिए उतना मैं इसको कर लूंगी। यहाँ तक मुझे चाहिए वो मैंने सेट कर लिया। अब मैंने कंटेनर की ही एडवांस में जाके इसकी पैडिंग देनी है, मैंने पैडिंग देनी है। पैडिंग मैं बजाय के पिक्सल सेलेक्ट करके इसको ज्यादा साइज दूँ, मैं इसको ईएम में करके तो कट ही दे लेती हूँ। सबसे पहले टॉप में देती हूँ, देख लेते हैं कितनी। आप लोगों ने इस मैं मुझे आइडिया है तो मैं इसलिए डायरेक्ट इस पे कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको देखना है कितनी आपकी होनी चाहिए कितनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी एस एस व्यूअर में जाएं, एक्सटेंशन चाहते हैं और सी एस एस व्यूअर्स, ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो साइज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग होगा ना। सबसे पहले तो हम कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर का कितना है। कंटेनर की विथ जो है ना फुल विथ की हुई है, और इसकी हाइट 476 है, और इसको 50% इसकी बैकग्राउंड बॉक्सिस का इसका है 1280 बॉक्सिस का है, और इसमें पैडिंग जो है वो 1010 की है, लेकिन ये बॉक्सिस की पैडिंग है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज की बात करें कि ऊपर हमारे पास आईडीएस है, क्योंकि इसमें क्लीन नहीं बता रहा तो मैं इसको आईडीएस से कर लेती हूँ। तो अच्छा हमने इसको सेट कर लिया, ये चीज हमारी वाइट है, ये भी वाइट है, इसको हमने कलर किया वाइट। लोगो हमारा कितना है सी एस एस के साथ हमने चेक किया तो हमारे पास है ये इसकी विड्थ 140। इसको मैं अगर पिक्सल में करके 140, ठीक है, और ये लेफ्ट अलाइन है। और उसके बाद हमारी बारी आती है सोशल आइकॉन्स की। तो सोशल आइकॉन्स देखिए इसके बैकग्राउंड जो है ना वो सर्कल्स में है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी हमारे पास इसका जो कस्टम होता है ना वो जो ऑफिशियली कलर्स होते हैं वो है, इसको हमने क्या करना है इसको सोशल आइकॉन्स को पेंसिल पे क्लिक करके, तो सबसे पहले तो इसका ये देखिए स्केयर में, स्केयर को हमने सर्कल में करना है, राउंडेड है शेप में आपने जाके इसको करना है सर्कल में, ये सर्कल हो गए। अब आपने स्टाइल में जाना है, अभी ये ऑफिशियल कलर्स है, आपने करना है कस्टम। कस्टम में आपने देखना है कि जो इसका प्राइमरी है वो होगा पर्पल, और जो सॉरी सेकेंडरी जो है उसका पर्पल है, जो प्राइमरी है वो व्हाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइट हो गया। अब देखिए साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, साइज को भी हमें थोड़ा सा कम करना है। तो यहाँ पे इसका साइज है, साइज इसका मोस्टली 40 होता है, तो मैंने इसको 40 कर दिया, और इसकी पैडिंग जो है ना इसको पिक्सल में दे रही हूँ 2 देते हैं, तो इतनी ये यहाँ तक मतलब 5 तक, और इसमें स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये चीज हमने चेक कर ली। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो सेक्शन है वो इसका सेट हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सर्विसेज का है, तो सर्विसेज में भी व्हाइट है और सब कुछ व्हाइट व्हाइट है। इसका भी फॉर्म वगैरह हमने सेट नहीं किया तो वो भी हम सेट करते हैं, इसको व्हाइट कलर कर दिया। डिवाइडर जो है वो हमारे पास जो है व्हाइट है, नो डाउट, मैं बहुत ज्यादा तेज से बोल रही हूँ तो, लेकिन अगर आप समझ देखें अच्छा इसका ना थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा हाइट है थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि अभी हमारे पास जो इसका वेट है ना 1 है, अगर मैं इसको करूँ 2.5 तो ये थोड़ा सा इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने इसके कंटेंट में जाके इसकी विड्थ जो है ना उसको मैंने कम करना है जितनी मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये चीज तो कम कर दिया, लेकिन
अभी इसमें और होने है, और थोड़ा सा इसकी जो वेट है ना थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। ये जितना मतलब आपको मैक्सिमम चाहिए उतना आपने इसको कंसीडर कर लेना है। अब इसके स्टाइल में जाके इसका गैप जो है वो हमने जीरो कर देना है क्योंकि ये बिल्कुल पास पास है। और इसके बाद इसको हम 3.5 करके देखते हैं जितना होता है। तो 3.5 जो है वो एक्स्ट्रा ही हो गया तो हमने 3 करते हैं। ठीक है, अब जो आइकॉन लिस्ट है ना इसको मैं वन बाय वन कॉपी करके बता देती हूँ, बाकी आपने खुद से करना है। तो ये एक हमने यहाँ, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा, तो लिख सकते हैं कुरान लर्निंग। तो इसको क्लिक किया, यहाँ से हमने किया ओके। तो अगर हमने, जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी पेजेस होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल हमने, हमारे पास कोई भी पेज नहीं है। तो वहाँ पे जब पेज होता है तो उसका यूआरएल हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि जस्ट फुटर डिजाइन कर रहे हैं तो बाद में मैं इसको लिंक लगाना भी बताऊंगी। अभी लिंक के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हैश। तो ये भी एज ए लिंक कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं, और इसके आइकॉन का कलर भी व्हाइट है और इसके जो टेक्स्ट है उसका कलर भी व्हाइट है। तो साथ साथ ये भी देखना है कि जब हम होवर करते हैं तब तो नहीं चेंज कर रहा ये कलर, जब होवर कर रहे हैं तो ये चीज चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब देखिए मैं नेक्स्ट 3 सेक्शंस को सेलेक्ट, 2 सेक्शन को सेलेक्ट करने से, या मतलब उनको सेट करने से पहले इन दोनों को, इसका जो फाउंट है ना फैमिली उसको सेट कर लेती हूँ। और फाउंट फैमिली मैंने सेट की यहाँ से एक्सटेंशंस बट फाउंट, ये इसका 2024 800, 2024 और 800 हेडिंग को सेलेक्ट किया, इसको किया 2024 800, ठीक हो गया। और यहाँ पे फैमिली जो है हमारे पास वो है ओके हो गया। और इसी के साथ हमने किया इसके आई लिस्ट आइकॉन की कि वेट वगैरह चेक किया कि वेट हाइट कितनी है, 16 और 24 है और 400 है। लिस्ट आइकॉन पे क्लिक किया, इसके टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे इसको कर दिया, इसकी फॉन्ट साइज चेंज किया, लाइन हाइट चेंज की, और अब इसका वेट 400 है और इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो उसको सेट कर दिया। ओके हो गया। अब जो साथ में इसका टेक्स्ट है इस चीज को हमने सेट किया 6, ये भी सेम है। तो इसको हमने फिर सेट करने लगे 16 24, और इसका फैमिली जो है वो मैं आपको ग्लोबली भी सेट करना सिखाऊंगी कि मतलब एक दफा हम सेट करें और हमारे पास मतलब नेक्स्ट टाइम चलता रहे। तो देखिए, अब देखिए मेरे पास जस्ट एक मैंने सेट किया, बाकी दो कैसे सेट होने हैं। मैंने फर्स्ट वाला हेडिंग पे राइट क्लिक किया है, इसको कॉपी किया है, अब मैंने जस्ट इसका पेस्ट स्टाइल करना है, पेस्ट स्टाइल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डिवाइडर है, कॉपी किया, पेस्ट स्टाइल। अब मैंने लिस्ट, अच्छा अगर हेडिंग है तो वो हेडिंग को ही पेस्ट, उसका जो स्टाइल होगा वो पेस्ट होगा। इस तरह लिस्ट आइकॉन को मैंने कॉपी करना है। तो लिस्ट आई ये मैं अगर किसी और पे करूंगी तो वो उस पे अफेक्ट नहीं करेगा, जिस चीज का जिस तरह लिस्ट आई अगर हेडिंग हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि H2 है, तो अगर ये सेम सेम होगी H2 है ये भी, तो फिर ही इस पे अफेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। तो मैं इस पर आपको बताती हूँ कि कैसे अफेक्ट नहीं होगी। पेस्ट स्टाइल किया, पेस्ट स्टाइल किया। अब मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ H5, तो इस पे स्टाइल कॉपी करती हूँ तो ये नहीं इस हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये H2 के लिए था। अब मैं इसको करती हूँ तो यहाँ से कॉपी करना है, तो यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देना है। लेकिन ये तो हमारा वाइट नहीं था इसलिए हमने इसको कंट्रोल Z कर दिया, और इसका कलर जो है वो पर्पल है। ठीक है, इसको भी अभी देखते हैं। ये देखते हैं कि इसकी जो सेक्शन की विड्थ हाइट है ना, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है कि कितना कितना इनके दरमियान गैप है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि इनके दरमियान गैप आए, कंटेनर को सेलेक्ट किया, लेआउट में गए और इसके गैप में जाके 20 के रो में कर दिया, 20 इसके कॉलम में कर दिया। 20 मुझे अभी कम लग रहा है तो मैं इसको 30 कर देती हूँ।
30, ओके ठीक है। रो हमारे पास सिस्टम कोई भी नहीं है, इसलिए इसको 0 कर दिया। अब ये बिल्कुल सेट है हमारे पास, इसको मोबाइल में बाद में चेक करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं किस वाले हेडर को कैसे सेट करना है, क्योंकि ये भी हेडर के तौर पे कंसिडर हो रहा है ना। तो इसके अंदर जो पिक्चर है उसको सेट करनी है। सबसे पहले मैं इसका साथ में ये भी चेक कर लेती हूँ, 37 41 800, 37 41 800 और दिस दैट। ठीक है, अब ये हमने इसके डिवाइडर सॉरी कंटेनर में बैग इमेज लगानी है। कैसे लगानी है, इसकी बैकग्राउंड टाइप में जाना है, क्लासिक पे जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरी पिक्चर यूज हुई है और इसको स्क्रोलेबल नहीं करना, तो इसको कंटेनर में जाके फुल विड्थ का सेंटर सेंटर करना है, फिर स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद नो रिपीट, क्योंकि पहले बहुत रिपीट हो रहा था। फिर उसके बाद ये आपने रिटर्न करके देख लेना है कि क्यों नहीं, मैं इसको कवर ही क्यों कर रही हूँ। समटाइम कवर यूज होता है, समटाइम ऑटो होता है, समटाइम कंटेन होता है, समटाइम हमें कस्टम करना पड़ता है। अगर मैं कस्टम करूँ तो फिर इसने इस चीज को देखना पड़ता है कि कितना करना है, लेकिन मैं अगर इसको कवर करूँ तो ये मेरा बेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बैकग्राउंड ओवरले है वो व्हाइट शेड में, तो मैं इसको बैकग्राउंड टाइप में जाती हूँ, इसका कलर पिक करती हूँ और इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देती हूँ। इसकी कैपेसिटी जो है ना वो जितनी हमें चाहिए, दिस थिंग इतनी कैपेसिटी हमें चाहिए, ये हमने कंसिडर कर ली। अब देखें इस वाले का जो साइज है ना और इस वाले का जो साइज है वो डिफरेंट है, तो मैंने अंदाजे के साथ के कितना होगा उस चीज को मैंने इसको फिट कर लेना है। मैंने इसको क्लिक किया 24 24, और ये कलर है 22, 24 24 और 500 इसके सेट किया। ट्वेंटी फोर ये 500, और इसकी फैमिली जो है, क्योंकि जब तक आपने फैमिली, अगर आपने उसका साइज ठीक रखे, वेट ठीक रखे, अगर उसकी फैमिली ठीक ना रखी तो उसने वर्क नहीं करना जिस तरह की आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसके जो इस कंटेनर की जो विड्थ है ना उसको कम कर देना है, वो है 30%। ठीक है, और इसकी जो है ना उसको कर देते हैं हम 65%, 65% कर दी, तो अभी भी कम है, तो मैं इसको करती हूँ 70%। ये मेरे पास अच्छा, समटाइम ऐसा होता स्क्रीन भी आपकी वर्क नहीं कर रही होती, तो मैं इसको कर देती हूँ 75, चेक करने पे है 85 कर दी। अब ये जो है इनके दरमियान गैप जो है ना वो 20 का है, तो मैं इसको अगर अब ठीक है, ठीक है, अब जो इसके दरमियान गैप है ना उसको मैं कर देती हूँ, वो नहीं करना था, इस कंटेनर को करना था, इसको सेट किया और इनके दरमियान जो गैप है उसको कर दिया 20। ठीक है, और इसको अभी मजीद मैंने इसको जस्ट 25 पे कर दिया, और कंटेनर्स को सेलेक्ट किया। इसकी जो पैडिंग है उसको मैंने ईएम में सेलेक्ट करके, तो टॉप पे कर देते हैं 3, 3 होगी ये 2 होगी, 3 2, और इसी तरह ये भी 2, तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसको 2 की जगह 3 करते हैं तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो सेकंड वाला कंटेनर है आप देख सकते हैं उसकी इमेज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लियर नजर आ रही है, तो हमें इसकी जो कैपेसिटी है उसका कलर जो है उसको मजीद, बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देनी है 91। नाइनटी सेवन पे जाके ये बिल्कुल सेक्ट हो रहा है। अब देखिए ये चीज हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम बारी आती है इस पार्ट की। यहाँ पे देखिए इसका रेडियस जो है ना वो सीएसएस व्यूअर के साथ हमें चेक कर लेना। यहाँ से मैंने एक्सटेंशन ऑन की और इसको मैंने ट्रिगर किया, ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी कितना है, इस
जो पैडिंग है वो 5x5 है, मार्जिन 10 है, वेट 365 है। तो इसकी जो पैडिंग है 24, ये इसकी पैडिंग शो ही नहीं कर, अब शो होगी पैडिंग। एक्चुअली मैं देख रही हूँ इसका बॉर्डर रेडियस देख रही हूँ, और बॉर्डर रेडियस मुझे, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट ये वीडियो, अच्छा इसका 30 है बॉर्डर रेडियस, सॉरी, क्योंकि एंडेड था, मैंने इसको सेलेक्ट किया। और इसका जो स्टाइल में गई, और फील्ड जो है ना उसको भी 30 कर दिया, ठीक है, और बटन जो है उसको भी 30 कर दिया, ठीक है। अब हमने देखे कि ईमेल, एक हमारे पास लेबल भी आ रहा है, एक हमारे पास इनपुट भी आ रहा है, जो हमारे पास कंटेंट में जाके, तो इसका जो ये टाइप होगी वो तो वही रहेगी क्योंकि हमें ईमेल चाहिए, और जो लेबल है ना उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया, ये चीज हमारी फिक्स हो गई। अब ये 30 से ज्यादा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि मैं इसके जो कंटेनर है ना उसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले को जो शेड है वो ऑरेंज है, और बटन का जो कलर है ना उसको ग्रीन की बजाय हमारे पास है ऑरेंज, तो ऑरेंज आपने कलर पिक कर लेना है, और वो ऑरेंज कलर आपने यूज कर लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपने वही यूज करना है जो मतलब यहाँ पे है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही थी समझाने के लिए। तो इसके अलावा हमारे पास जो इसके ऊपर टेक्स है वो वाइट है, और उसको भी आपने सेट करना है। अब देखिए इसका जो फील्ड का बैक बॉर्डर कलर है ना वो भी व्हाइट है, यहाँ पर ब्लैक है, इसको कैसे सेट करना है। फील्ड पे गए, फील्ड के बॉर्डर कलर जो है ना उसको हमने ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो क्या बनता है ये चीज, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंट क्या हल्का सा करना है ताकि हमें शो भी हो, ठीक हो गया। ये हमारा डेस्कटॉप के लिए हेडर जो है वो रेडी हो चुका है। अगर मैं इसको लाइव व्यू भी दिखाऊं, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए हमें इसका थर्ड पार्ट जो है ये जो है ये मैंने स्किप कर दिया, ये आपने खुद से करना है एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है। अब मैं इसको लाइव रिव्यू करती हूँ और फिर देखते हैं कि ये हमारे पास फुटर जो है वो किस तरह शो हो रहा है। ये फुटर इसका शो हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन मैं एक बार इसी चीज को लॉग आउट करके चेक करूंगी तो सेट हो जाएगा, नो इश्यू। तो अब हमने इसकी मोबाइल पे देखना है और टैब पे देखना है, मोबाइल पे और टैब पे। अच्छा मोबाइल पे कुछ इस तरह हमारे पास आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले कंटेनर को सेलेक्ट किया, इसको CSS को रिमूव करते हैं। अच्छा इसको रिमूव कर देती हूँ फिलहाल, क्योंकि ये इशू कर रहे हैं बार बार, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया, तो इसकी जगह हम यूँ करेंगे। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि इंस्पेक्ट की, क्योंकि मेरे पास जो पहले थी वो किसी वजह से क्रैक हो गई और वो खत्म हो गया, मुझे दोबारा से करनी पड़ी थी। हम फुटर को देख रहे थे, और फुटर में इसका मिनी टैब चेक करते हैं। सबसे पहले मिनी टैब में आप लोग देख सकते हो कि ये एक कंटेनर में आता है, फिर ये तीन कंटेनर है, लेकिन हमारे पास इस टाइम जो है वो फोर कंटेनर में आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे इसको इस पे जाके डेस्कटॉप पे इसको डुप्लीकेट करूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट सेक्शन है ना इसको एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव में जाऊंगी, और इसको टैब के लिए भी हाइड कर दूंगी, मोबाइल के लिए भी हाइड कर दूंगी, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम कैसे सेट करेंगे, इसको हम सेट करेंगे एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव जाना है, और टैब के लिए हाइड कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है ना, अब इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, कंटेनर की इसके लिए मुझे सेपरेट से बनाना पड़ेगा।
कैसे बनाना है उसको हम दोबारा से जाते हैं, इसको हाइड नहीं करते, डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब लेते हैं सेक्शन, कुछ इस तरह से लेना है कि हमारे पास एक कंटेनर फर्स्ट हो, फिर तीन कंटेनर हो, फिर ये चीज हो। हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया, उसके दो कंटेनर थे, ठीक है। उन दो कंटेनर में से इसको जो है हमने यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करके इसकी, अभी तो ये मतलब वर्टिकली अलाइन आ रहे हैं ना, हमने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। वो कैसे करना है, मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया और इसको कर दिया 100%, और इसको भी कर दिया 100%। नेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको भी कर दिया हमने 100%, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वन है उसके अंदर हमें ये चीजें रख देनी है और उसको सेट कर देना है। इसको मैंने कॉपी किया, पेज स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। पेज स्टाइल होने से बाद फिर से वो वर्टिकली लाइन हो गया, मैंने इसको फिर से वापस जाके रिवर्स कर दिया कॉलम। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास 1000 नहीं था, 100 है, तो ये सेट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस वाले जो कंटेनर है ना इसकी चीजें इसमें पुट करते जाना है। कॉपी किया, पेस्ट, इसको मिडल अलाइन कर देना, और फिर इसको कॉपी किया। इसको मिडल लाइन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो मिडल अलाइन हो रहा है। पेस्ट किया, जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी मैं इसको बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या खिचड़ी बन रही है, लेकिन बहुत मजे की खिचड़ी बनती है एट द एंड। पेस्ट किया और इसको भी मिडल अलाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ना वो 3 है, लेकिन हमारे पास कंटेनर 1 है। हमने क्या करना है, 9 डॉट पे क्लिक करके कंटेनर ऐड करना है, और इस कंटेनर को जो अंदर रखा है इसको हमने 3 टाइम करना है। डुप्लीकेट, ये मैं सेट कर देती हूँ, एंड डुप्लीकेट, ठीक है। और अब हमने इसकी जो विड्थ है हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना था, तो हमने 33 कर दिया। पिक्सल नहीं, परसेंटेज में करना है हमने 33, और सॉरी इसको हमने कंसीडर किया फुल विड्थ और 33, इसको भी शायद बॉक्स है तो फुल विड्थ कर दिया, ठीक है। और फिर हमने 33 कर दिया, और नेक्स्ट जो है उसको भी हमने 30 फुल विड्थ करके 33 कर दिया, ठीक हो गया। अब देखिए इस कंटेनर की हमने अब हॉरिजेंटली अलाइन है, हमने वर्टिकली करना है। तो जो फर्स्ट वाला कंटेनर था जिसके अंदर हमने रखे थे, अब देखिए जो ये वाला बाहर वाला कंटेनर है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने रिवर्स कर देना है, इसकी रो जो है मैंने रिवर्स कर दी, ठीक हो गया। अब मैंने सिंपली क्या करना है, यहां से चीजें उठानी है, ये वाली कॉपी पेस्ट। ये समझ रहे, आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये इजी वे बता रही हूँ जिससे काम बहुत इजी हो जाता है। कॉपी, और इस तरह की वीडियो आप लोग जितने मर्जी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इस तरह की वीडियो किसी भी चैनल पे नजर नहीं आएगी। पेस्ट, तो अगर मैं यही चीजें इधर कर देती हूँ, बार बार कॉपी पेस्ट करने के जाए, इसको मैं कर देती हूँ डुप्लीकेट, और इसको भी कर देते हैं हम डुप्लीकेट, और बाकी जो एक्स्ट्रा 2 हो गए उनको हम कर देते हैं डिलीट, तो हमारे लिए आसानी होगी दिस वन, ठीक है। अब ये सेंटर अलाइन है, ठीक है, इनको जब हम टाइम में जाएंगे तो इसको सेट कर देंगे। अब ये वाला जो है ना ये एक्स्ट्रा था, इसको हमने कर दिया डिलीट, और ये वाला जो है वो हमारे पास टैब के लिए है, इसको हम क्लिक किया, एडवांस में गए, रिस्पॉन्सिव में गए, और डेस्कटॉप के लिए हाइड कर दिया। अब हमने मोबाइल पे सॉरी टैब के लिए क्या करना है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी है वैसे। तो इस कंटेनर की जो है ना इसको हमने सेट कर देना है, कंटेनर को जो बाहरी वाला कंटेनर है ना उसको मैंने सेलेक्ट किया, उस पर हमने लेफ्ट राइट मार्जिन पैडिंग देनी है। मैंने पिक्सल ई एम ए क्लिक किया और इसको 1 पे क्लिक कर दिया, तो 1 इनफ है। 2 करके देखें तो यहाँ ऐसे होता है, लेकिन हमारे जो डिजाइन है ना वो सेम सेम इस तरह का है। तो उसके बाद हमें देखना है कि इसका जो फाउंड साइज है वो तो चेंज नहीं है, अगर तो वो चेंज है तो हमें भी साथ में करना पड़ेगा। ये कितना है, 15 चेंज है, इसको कर दिया हमने 15, स्टाइल में जाके 16 की बजाय ये हो गया 15, और इसका भी पिक्सल में जाके 15, ईएम से फिर पिक्सल में चले गए। अब देखिए ये इसकी जो है ना ये मतलब एक छोटे से बॉक्स के अंदर है ये, तो इसको हमने कैसे सेट करना है,
इसको हमने कंटेनर पे जाके इसकी जो 1250 है ना उसको हमने देख लेना है कि हमें कितना चाहिए। तो ये हम पूरे सेक्शन की कर रहे हैं, पूरे सेक्शन की नहीं करनी, मैंने इस कंटेनर की करनी थी। इसको मैं फुल फिट में की बजाय बॉक्स में जाऊंगी और इसको मैं जितनी मुझे रिक्वायर होगी उतनी, ये देखिए उतनी होगी। अब ये देखिए बहुत पास पास है, 15 के बजाय मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। सीएसएस कभी कभी मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रही होती, ये देखिए थोड़ा सा उसका गैप भी तो है ना, ये चीज होगी। अब इनके लिस्ट आइकॉन को देख लेना है कि उनका कितना है, वो है 1523, 1523 सतानवे के टैक्स पेंगे, ये हो गया 15 और यहाँ पे पीएम पिक्सल 23। ठीक है, अब इस हमने सिंपली क्या करना है, कॉपी पेस्ट आई पेस्ट आई। अब देखिए इनके दरमियान में गैप थोड़ा सा कम है, इसको हमें क्या करना है, किस तरह कम करना है। मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया, उसके बाद इस कंटेनर को जस्ट 5 या कम में थोड़ा सा इंक्रीज करते जाना जितना मुझे रिक्वायर होगा। ठीक हो गया, 15 काफी है, इनफ है। तो मैंने इस कंटेनर को कॉपी किया, ये पेस्ट आई करते जाना। ठीक है, अब मैंने इसका मोबाइल व्यू चेक करना है, मैं मोबाइल पे गई और यहाँ से हमने अपने मोबाइल को ओपन कर लिया, 15 प्रो मैक्स को ओपन करते हैं, सॉरी 14 प्रो मैक्स को। ये चीज है कि अब ये मिडिल तो मिडिल है लेकिन ये वन बाय वन है, इसको कैसे करना है, सिंपली हमें रिवर्स कर देना कॉलम को, ये चीज ऑटोमेटिकली यानी कि रिस्पॉन्सिव होगी। देखिए इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, इसको हमने क्या करना है, कंटेनर को हमने 2-2 दिया था, अब हमने एडवांस में जाके 5-5 है। तो एक तो इस चीज को खत्म किया, दूसरा हमारे पास अब सिर्फ आएगा 3 और 3, 3 भी ज्यादा है, इसको 2 और 2 कर लो 2, हमारा लोगो बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो आप क्योंकि अगर मैं वन बाय वन एक एक चीज आपको बताती हूँ कि इसमें कॉपी पेस्ट करके, तो वीडियो को लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने जस्ट समझाने के हद तक बताया कि हमारे पास जो डेस्कटॉप पे था वो हेडर वो कुछ इस तरह से था। तो अगर हमें इसको मोबाइल पे सेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए भी मतलब उसको उसी चीज को मैं सेट कर सकती थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाना था, सेट उसको भी कर सकते थे जो हमने फर्स्ट पे बनाया था, उसको मोबाइल पे, वो भी मोबाइल पे हमारा इजी सेट हो जाना था। ये देखिए मोबाइल पे ऑलरेडी सेट है वो, लेकिन मैंने इसको बेहतर समझा कि मैं इसी चीज को, जो टैब और मोबाइल का होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम चलता है, तो इसलिए ये बेस्ट होता है। आप लोगों ने ट्राई करना है और हेडर बनाना है, अगर आप लोगों ने हेडर बना लिया है उसके बाद फुटर बनाना है, फुटर बना लिया है, तो इस मीन आप लोगों को 50% समझ आ गई है कि आपने वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है। बाकी जो इसका लैंडिंग पेज है जिसको होम पेज भी कहते हैं, अच्छा होम पेज और लैंडिंग पेज दो डिफरेंट चीजें हैं। हर होम पेज जो है वो लैंडिंग पेज तो हो सकता है, लेकिन हर लैंडिंग पेज होम पेज नहीं हो सकता। इस टॉपिक पे हम एक सेपरेट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका होम पेज वेबसाइट का डिजाइन करेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म के क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।